जो आने वाले दिनों में बड़े तादाद में हमारे साथ मुसलमान जुड़ रहे हैं। कांग्रेस एजेंडा ले चलती है कि आप अगर मुसलमान बीजेपी को जेडीएस को वोट देंगे तो बीजेपी आ जाएगी, तो वो दिन चले गए। तो आज लोग अहमियत देके खुल के खुद से चले आ रहे हैं। हम लोग सीनियर लीडर कांग्रेस का होते हुए जब कांग्रेस में जब भी मुझे धोखा हुआ तो मैं पार्टियां से बाहर से टिकट लिया। एक से दो बार एमएलए कंटेस्ट करा 2013 और 2018 में चमरकपेट से। फिर भी कांग्रेस में मुझे कोई ऐसी इज्जत नहीं मिली। सर बताइए, आज जो मीटिंग हुई है जी, मीटिंग का मेन मकसद क्या है? जी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। तो आज की मीटिंग का मकसद सिर्फ तीन चीज़ों पे डिपेंड है। एक आके जो प्रोटोकॉल जो कि फॉलो करना बहुत ज़रूरी है, वो कोई भी पार्टी हो, प्रोटोकॉल इज़ दी मस्ट एंड शुड, पहली बात। दूसरी चीज़, जो आने वाले दिनों में बड़े तादाद में हमारे साथ मुसलमान जुड़ रहे हैं और उसको लेकर हम लोग बहुत बड़ा एक समावेशा करने वाले हैं, तो एक प्रिलिमिनरी मीट हम लोगों ने आज हमारे सिटी लीडर्स के साथ हमने की है। और थर्ड, जो दूसरे पार्टियों में जैसा बाइफर्केशन साउथ ईस्ट सेंट्रल जो जैसा होता है वैसा हम लोगों ने, क्यों आज पहले माइनॉरिटी बहुत छोटे पैमाने पर थी, अल्हम्दुलिल्लाह 3 साल से हम लोगों ने माइनॉरिटी को एक बड़े पैमाने पर लेके आए हैं, जिसमें 3,000 से भी ज़्यादा तादाद में माइनॉरिटी के एक्टिव काम करने वाले मेंबर्स हमारे साथ जुड़ चुके हैं। और आप देख सकते हैं कि पिछले दिनों में एक शिवाजीनगर कॉन्स्टिट्यूंसी में भी एक ज्वाइनिंग प्रोग्राम हुआ था जो कि शिवाजीनगर हलके के लिए था। तो वैसे गली गली से, हर गली से, हर मोहल्ले से, हर एरिए से हमारे साथ लोग जुड़ते ही चले जा रहे हैं, माशाल्लाह। ये आप कह सकते हैं कि भाई जो आने वाले दिनों में, या तो प्रेजेंट दिन जो हम लोग मुसलमान देख रहे हैं, जो कि हिंदुत्व हिंदुत्व करके, देखो हम लोग सेक्युलर हैं पहली बात तो, अल्हम्दुलिल्लाह, वी एज अ सेक्युलर पार्टी वी लव एंड वी बिलीव दैट ह्यूमैनिटी इज़ द फर्स्ट रिलीजन। बट जब बात आ जाती है सेक्युलर एंड पार्टी की, बीजेपी एजेंडा लेके चलती है कि भाई हम लोग हिंदूज के साथ हैं। ये हमारी जो कांग्रेस एजेंडा ले चलती है कि आप अगर मुसलमान बीजेपी को जेडीएस को वोट देंगे तो बीजेपी आ जाएगी, तो वो दिन चले गए। अल्हम्दुलिल्लाह आज सारे मुसलमानों की आंखें खुल चुकी हैं। हमारे जितने भी रहबर और जो साथी सिटी के जितने भी रहबर, हमारे जो जितने भी लीडरान हैं, उन लोगों को हर दिन मिनिमम 50 से 60 कॉलें आ रही हैं कि हमें जुड़ना है, तुम्हें जुड़ना है करके। ऐसे में हमें हर दिन 100, 150, 200 छोटे छोटे समावेश करना पसंद नहीं कर रहे हैं, इसीलिए 10 से 12 हज़ार अफराद को एक ही साथ जुड़ा के एक बड़े जगह पे, बड़े पैमाने पे जुड़ाने की कोशिश हमारी है, इसीलिए वो आज मीटिंग मुनक्कद की गई थी। सर, इससे पहले क्यों माइनॉरिटीज़ को यहाँ इतनी अहमियत नहीं थी कि इस दिनों में इतनी नहीं? देखो हम लोग अहमियत आज भी ये नहीं सोच रहे हैं कि हम लोग किसी को भी दावत दिए नहीं थे, तो आज लोग अहमियत दे के खुल के खुद से चले आ रहे हैं। हम लोग ये आगाज़ नहीं किए कि भाई मैं ज्वाइनिंग दो करके बोल के, हम लोग तो हमारे जितना नॉर्मल काम चल रहा था, अल्हम्दुलिल्लाह जो खिदमत खल्क हमारे माइनॉरिटी बंदों की जो चल रही थी वो आज भी कंटिन्यू थी। हो सकता हमारी जो खिदमत खल्क जो लॉकडाउन में हम लोगों ने की हो, जो हमारे इमरान साहब जो कि 10 MLA के बराबर उन्होंने काम किया है, जो हमारे वार्ड प्रेसिडेंट मौला रहन दो, या तो कॉन्स्टिट्यूंसी प्रेसिडेंट हमारे असलम साहब, हमारे असलम भाई, और जो हमारे अफसर साहब, जो जितने भी, जो मान लो कि वार्ड भी प्रेसिडेंट अगर हमारा जेडीएस में हो तो उसने भी एक कॉर्पोरेटर जेडीएस कांग्रेस के कॉर्पोरेटर के बराबर उसने अपने जाती पैसों से काम किया है, तो वो हो सकता है कि वो देख के आज ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में लोग हमारे साथ जुड़ने की ख्वाहिश रख रहे हैं। सिर्फ जॉइनिंग मकसद है या मुसलमानों के मसलों पर भी काम करना मकसद? देखो मैं तो आपको ये बोलना पसंद करूँगा कि जितने भी आज हम लोग सांस ले रहे हैं, अच्छे अच्छे जो रिजर्वेशन पे बैठे हुए हैं, ये सारा देन किसका है? ये सारा देन देवेगौड़ा साहब का है। जितने भी फ्लाईओवर्स बने हैं, जितने भी मुसलमानों के लिए कॉरपोरेशन जो बना है, जो KMDC बनी है, और जो 4% रिजर्वेशन जो लेके आए हैं, और आने वाले जो लेडीज़ रिजर्वेशन है,
माइनॉरिटी कॉरपोरेशन जो वो बना है, तो वो सारा देवेगौड़ा साहब ने लेके आए। तो यहाँ पे अभी सवाल उठता ही नहीं कि देवेगौड़ा साहब ने मुसलमानों के लिए कुछ किया नहीं है करके। लास्ट टाइम आपको कोस्ट लॉटर की बिल ले लीजिए, एनआरसीसीए का ऐसे मसले ले लीजिए, आप देखे होंगे कि मेजॉरिटी हमारी थी, मेजॉरिटी कांग्रेस की निकल गई थी हाउस से, मेजॉरिटी उनकी माइनस हुई थी, हमारी नहीं। हम लोग तो फिर भी हम लोग टिके हुए थे कि हम लोग अपोज कर रहे हैं करके। तो कांग्रेस की मेजॉरिटी ना होने की रीजन से ये बिल पास हुई है। तो ये कांग्रेस की जो लीडरान है जो झूठ बोल के जो बिल हमारे पे फाड़ रहे हैं कि जेडीएस के वजह से ये बिल पास हुई है, ये गलत है। ये हम लोगों को मुसलमानों के हद तक ले जाना बहुत जरूरी है। क्या आइंदा दिनों में मुसलमान भरोसा कर सकते हैं कि जो उनके मसले मसाले हैं वो जेडीएस पार्टी से हल होंगे? सर देखो, परसों हाल एक मीटिंग की गई बड़े साहब देवेगौड़ा साहब ने, और उसमें उन्होंने वेरी क्लियरली मेंशन किया है कि आने वाले दिनों में मुसलमानों के लिए बड़े तादाद में 75 मुस्लिम सीट, जिसमें से ज़्यादा लेडीज़ अफराद को सीट देंगे, जिसमें से इंशाल्लाह ये नहीं देखेंगे कि वो पैसे वाला है या नहीं है। अगर वो सोशल एक्टिविस्ट हो, अच्छा काम करने वाला हो, अगर आकर रहबरी करके अपनी कौम की खिदमत जीत के करने वाला हो, तो उन लोगों को सीट दे के आगे बढ़ाने का प्रॉमिस किए हैं सर। शुक्रिया सर। तो मैं और एक लास्ट में बता दूँ, आज की मीटिंग में हम लोगों ने डिसाइड किया कि हमारे बेंगलुरु सिटी के चार हिस्से करेंगे, जिसमें से प्रेसिडेंट मैं ही रहूँगा, जिसमें से चार वर्किंग प्रेसिडेंट्स रहेंगे, उनके नीचे दो दो और तीन या चार ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरीज रहेंगे, और दो वाइस प्रेसिडेंट रहेंगे, दो सीनियर वाइस प्रेसिडेंट रहेंगे। इंशाल्लाह एक एक आठ आठ कॉन्स्टिट्यूंसी में सिटी टीम की तादाद 12 से 15 लोगों की सिटी टीम इंशाल्लाह रहेगी। वो सारे लोग मुझे रिपोर्ट करेंगे, उसके बाद मैं यही रिपोर्ट मैं अपने इमरान साहब, रहेंदो शफीउल्ला साहब और जो जफरुल्ला खान साहब, ये जो हमारे सरपरस्त जो हमारे सर पर बैठे हुए हैं, उन लोगों को और देवेगौड़ा साहब को मैं रिपोर्ट ये आगे ले जाके प्रेजेंट करूंगा। आने वाले इंतखाबात में अगर किसी को भी जुड़ना है तो हमारे हल्के से सेंट्रल से वर्किंग प्रेसिडेंट असलम साहब को हमने पोजीशन दिया हुआ है, हमारे तबरेज साउथ जोन से तबरेज सुहेल भाई को साउथ जोन से हमने वर्किंग प्रेसिडेंट दिया है। तो इनके नीचे भी एक चार चार पाँच पाँच पोजीशन इनको रहबरी और इनको पुश करने के लिए दी जाएंगी, और इंशाल्लाह आने वाले दिनों में बहुत बड़े पैमाने पर जेडीएस का परचम लहराएगा। कर्नाटका में मिनिमम 15 से 20 मुसलमान ऐसे कैंडिडेट आएंगे जो कि कॉरपोरेशन की सीढ़ियां चढ़ेंगी, और इंशाल्लाह आने वाले दिनों में जो ये कांग्रेस जब भी चिल्लम चिल्ली जो करती है, बीजेपी आ जाएगी अगर कांग्रेस को वोट ना दोगे, तो इंशाल्लाह ज़रूर इस बार कांग्रेस को हम लोग वोट नहीं देंगे, जेडीएस को साथ देके जेडीएस को हम लोग जिताएंगे इंशाल्लाह। सबसे पहले आज के दिन बहुत बड़ी खुशी हुई मुझे, ताकि हम तमाम भाइयाँ मिलकर एक प्लेटफॉर्म पर आए हैं और हर पार्टी से लोग जुड़ रहे हैं। मैं भी सीनियर लीडर कांग्रेस का होते हुए जब कांग्रेस में जब भी मुझे धोखा हुआ तो मैं पार्टियाँ से बाहर से टिकट लिया, एक से दो बार एमएलए कंटेस्ट करा 2013 और 2018 में चमराजपेट से। तो इतना बड़ा कंटेस्ट करने के बावजूद भी फिर भी कांग्रेस से जुड़ा रहा मैं, फिर भी कांग्रेस में मुझे कोई ऐसी इज्जत नहीं मिली, ना कोई ऐसा मुझे काम मिला, ना कोई ऐसे। मैं बड़े बड़े लीडरों के साथ मेरी मुलाकात थी, मगर फिर भी मुझे ऐसा कि मैं ग्राउंड लेवल से काम किया हूँ, 1,35,000 मेंबरशिप बनाया हूँ पूरे सिटी के अंदर कांग्रेस के वास्ते, 1,35,000, ताकि रिकॉर्ड मेरे घर में भी है, रिकॉर्ड कांग्रेस ऑफिस में भी है, और कोई देखे या ना देखे कांग्रेस ऑफिस को जाओ, अगर आप तो मीडिया वाले ही जांच करो, आपको पता लगेगा। और रही दूसरी बात, कोई ऐसा लीडर नहीं कि बढ़ चढ़कर आकर आए सीनियर लीडर घर पे बैठा है, उन्हें कुछ परेशान है, उसे जाकर पूछेंगे उन्हें की लीडरशिप से बाहर है, कोई भी ऐसा नहीं। हर तरह से मुझे परेशानी दिसी, तो इस वजह से मुझे जेडीएस ज्वाइन करना पड़ा। आज जेडीएस ज्वाइन कराया हूँ तो मैं तमाम आवाम से इल्तिजा करता हूँ कि हर अखलाती मोर्चे के अंदर मुसलमानों को जो नज़रअंदाज किया जा रहा है अदर पार्टियों से डरा कर, जो समझो कि हिंदुत्व और बजरंग दल से, जो बीजेपी से डरा कर रखते हैं, जब वो पार्टियां उन लोगों के नहीं हुए, उनके खुद मंदिरान तोड़ रहे, उनके दिलान तोड़ रहे, बाबरी मस्जिद तो छोड़ो वो तो हो गया मामला, मगर आज के मामले में उनके जो दिलान तोड़ रहे हैं, ऐसे लोगों के ऊपर क्या भरोसा करते हैं।